सिर्फ हमारे घरों में स्कूलों में पढ़ाया जाता है कि पढ़ो और जल्दी से नौकरी कर लो। पढ़ते वक्त क्या सिखाया जाता है कि परसेंटेज अगर गड़बड़ाया, मतलब मेरी बेटी के स्कूल में इस बार समर वेकेशन में एक साहब अपनी बेटी को सिर्फ इसलिए नहीं ले गए समर वेकेशन में क्योंकि उसके परसेंटेज कम आए थे। सोचो यार, वो क्लास सेवेंथ की बच्ची 2 महीने अकेले हॉस्टल में रही, मतलब बाकी लोग तो थे ही, कुछ जो इंटरनेशनल बच्चे होते हैं वो भी होते ही हैं क्योंकि सबके लिए पॉसिबल नहीं होता कि अपने बच्चों को हर हमेशा ले जाएं, लेकिन समर हॉलीडेज में लगभग लगभग सब लोग जाते ही हैं। समर हॉलीडे ऐसा होता है जिसमें लगभग लोग जाते ही, मतलब शायद ही 2-4-10 लोग रुकते हैं। वो सेवेंथ की बच्ची भी रुकी हुई थी क्योंकि उसके परसेंटेज कम आए थे। और तुमने क्लास सेवेंथ में एक ऐसा माइंडसेट उसका बना दिया है, एक ऐसे डिप्रेशन में उसको डाल दिया है। जेल नेहरू का कोई परसेंटेज पूछने जाता है? जवाहरलाल नेहरू का? लेकिन एज अ प्राइम मिनिस्टर, एज अ लीडर, सब उनकी तारीफ करते हैं। वो बिस्मार्क है जर्मनी में, उसका कोई परसेंटेज पूछता है? जर्मन यूनिफिकेशन पढ़ाएंगे रोने लगोगे। इमेजिन नहीं कर सकते कि एक आदमी के पास इतना दिमाग हो सकता है कि वो पूरे यूरोप को बेवकूफ बना दे। उस आदमी ने पूरे यूरोप को बेवकूफ बनाया, इंग्लैंड को, फ्रांस को, रशिया को, ऑस्ट्रिया को, किसी को पता ही नहीं चला वो क्या कर रहा है। और जब लोगों को पता चला जर्मनी वॉज अ नेशन,